मैडम वो बात पूरी नहीं हुई है तो फोन दीजिए ना। जी कल परसों में यहाँ पे कोई लड़की आई थी जिसका उम्र 17 से 19 साल के बीच में होगा और आपसे छर्रा या फिर कुछ बारूद या ऐसा कोई कांच का टुकड़ा ऐसे लेने आई होगी तू? हाँ मैडम, एक ऐसी लड़की आई थी जो कुछ कांच की बोतल और छर्रे ले गई थी। वो लगभग 10 कांच की खाली बोतल और आधे किलो छर्रे खरीद कर ले गई थी। सर जहाँ तक हमें लग रहा है ये बम बनाने में ज्यादा सामग्री यूज नहीं हुई है। लेकिन ये कौन जानता है कि एक बम कितना पावरफुल है या वो लड़की सिर्फ एक ही बम बनाने वाली। इससे सिर्फ एक ही बात का पता चलता है कि वो लड़की जो भी कुछ करने वाली है कुछ बड़ा ही करने वाली है। चलिए वेलकम। जानता था आप जरूर आएंगी लेकिन थोड़ा सा लेट हो गई। वो कहते हैं ना कि कैरम के खेल में रानी और क्राइम के खेल में जानकारी जिसके पास पहले जीत उसी की। और फिलहाल तो इस मामले में आपसे 2 कदम आगे हूं मैं और आगे का ऊपर वाला मालिक। चलिए करिश्मा सिंह। विद्रोही सर गए? हाँ गए। मैडम सर यही दुकान है। सुनिए। राम राम मैडम। राम राम। एक बात बताइए, यहाँ पे 1-2 दिन पहले कोई 18-19 साल की लड़की आई थी जिसने कोई बहुत अजीब सी या अतरंगी चीजें खरीदी हो? हाँ मैडम, ऐसी एक तो लड़की आई थी, वो कुछ 10 कांच की खाली बोतल और छर्रे ले गई थी। क्या इसका मतलब ये लड़की कुछ बहुत बड़ा करने की फिराक में? सेम मैडम, वो पहले वाले सर भी यही कह के गए थे मैडम। अच्छा ठीक है, आपने उस लड़की का चेहरा देखा? नहीं मैडम, वो लड़की नकाब पहनी हुई थी। पर हाँ मैडम, मैंने पहले वाले सर को एक जरूरी और खास बात बताना भूल गया था। क्या, कौन सी खास बात? मैडम वो सारे पेमेंट कैश में करके गई थी। तो इसमें खास क्या हुआ? उसके हाथ में बहुत सारे लिफाफे थे और सारे में पैसे भरे थे, किसी में 101 तो किसी में 1101। वो मैडम शादी ब्याह में लड़का लड़की को पैसे मिलते हैं ना लिफाफे में, वैसे ही पैसा था और वो सारे लिफाफों से पैसे निकाल के फिर मुझे कैश की मैडम। वो लिफाफा है आपके पास? हम दीजिए। ये रहा मैडम। थैंक यू। चलिए चलिए चलिए, हमें लगता है कि या तो इस लड़की के घर में अभी अभी किसी की शादी हुई है या फिर हो सकता है इसकी खुद की शादी हुई हो, क्योंकि इस तरह के एनवलप तो ऐसे ओकेजंस में दिखते हैं। कमाल है मैडम सर, मतलब ऐसी सामाजिक लड़की 15 बम लगाने वाली हिंसक आतंकवादी। अरे क्या हो रहा है सर? मैडम सर, ये महाशय श्रीमान दीवान जी यहाँ दरवाजे पे कान लगाए खड़े थे, आपकी बातें सुन रहे थे। शर्म नहीं आई आपको? गलत फहमी है आपकी मैडम, मैं तो बस दरवाजे की ऑयलिंग चेक कर रहा था। वो क्या है ना, इस थाने के पुराने दरवाजे कुछ ज्यादा ही आवाज कर रहे हैं आजकल। देख रही हैं पुष्पा जी, आपके बहाने कितने फेमस हो गए हैं, सब कॉपी मार रहे हैं इसको। हाँ हाँ, और आप श्रीमान दीवान, इतना होशियार बनने की जरूरत नहीं है, हमने अपनी आंखों से आपको देखा है वहाँ पे, समझ गए ना इन दोनों की बातें सुनते हुए। कमाल है श्रीमान दीवान, आप इतने लंबे चौड़े मूंछों वाले पेट वाले मर्द होकर भी औरतों वाली हरकतें कर रहे हैं। आप हमारे साथ आइए, लेकर आइए ना पुष्पा जी। जी खुशी से, चलिए। हाँ चलिए, आप चलिए चलिए। मिस्टर अमर विद्रोही जी, ये आपके कांस्टेबल हरिंदर सिंह हमारे केबिन के बाहर कान लगाकर हमारी सारी बातें सुन रहे थे, खुद को शर्लॉक होम्स समझते हैं। हाँ तो जैसे को तैसा ही तो किया है दीवान जी ने, करिश्मा सिंह भी तो हमारे साथ रहकर आपके लिए जासूसी कर रही, हर बात आप तक ट्रांसफर करती है। अब यही बात अगर दीवान जी ने कर दी तो इसमें इतना बुरा मानने वाली कौन सी बात है? सर ये देखिए एनवेलप्स, इनकी तफ्तीश के दौरान इनके हाथ लगे थे। सर ये उसी धमकी वाली लड़की के हैं, सो इसके हिसाब से या तो उस लड़की की अभी अभी शादी हुई है या उसके घर पे किसी और की। यार चीचा, आप तो एकदम मतलब खुलकर सामने आ गए,
हैं? अरे डाई की हुए बाल का थोड़ा तो लिहाज कर लेते आप। अरे एक मिनट करिश्मा सिंह को हमारी जासूस नहीं है, हम भी यहाँ के SHO हैं, करिश्मा सिंह हमें भी रिपोर्ट करती हैं। अगर हमने हमारी SI से एक केस के बारे में अगर कुछ नोट्स एक्सचेंज कर लिए तो कौन सा गुनाह कर दिया? प्रोटोकॉल के अगेंस्ट तो जा नहीं रहे हम, बताइए। वाओ, दैट्स ऑसम। मतलब इनकी चुगलखोरी को कितना फैंसी टाइटल दिया है ना आपने, नोट्स एक्सचेंज। मतलब करिश्मा सिंह करें तो नोट्स एक्सचेंज, दीवान जी वही चीज करें तो चुगलखोरी, जासूसी। अरे हसीना मलिक, ये कौन सा डबल स्टैंडर्ड है आपका? लिसन मिस्टर अमर, जो भी फोन उठाएगा स्पीकर पे रखेगा एज पर न्यू रूल्स। हेलो, बस इतना ही दिमाग है तुम प्रदेश पुलिस के पास? दशहरी आम दिखाकर लंगड़ा आम बेचोगे? हम तुम्हारे थाने आकर चले गए और किसी के कान पर जू तक नहीं रहेंगी? बहुत ही शर्म की बात है तुम्हारे पूरे पुलिस विभाग के लिए। कैसा लगा? एक लड़की ने तुम्हारे पूरे पुलिस विभाग को उल्लू बना दिया। हाँ तो तुमने कौन सा अब तक कुछ उखाड़ लिया बहना, जो इतना कर रही हो तुम? एक भी बम फोड़ा नहीं? तुम्हारी कोई भी बात सच हुई नहीं तो फिर इतनी हवाबाजी क्यों? देखो जिनको बम फोड़ना होता है ना वो फोड़ देते हैं, इतनी बड़ी बड़ी हवा में बातें नहीं करते। और तुमसे कुछ नहीं होने वाला, कोई बम बूम नहीं फोड़ने वाली हो तुम, तो हमारी बात सुनो ध्यान से। जो भी असली मुद्दा है ना उस पर आओ। क्या चाहती हो तुम, कौन हो, क्यों कर रही हो ये सब? और देखो किसी हेल्प की जरूरत है ना तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। बोला ना, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। हम कर सकते हैं तुम्हारी मदद। देखो हमारी बात सुनो, हम जानते हैं कि तुम कोई टेररिस्ट नहीं हो, किसी को नुकसान पहुंचाने का तुम्हारा इरादा है ही नहीं, तो फिर क्यों ये सब कर रहे हो? देखो बताओ तुम किस परेशानी में हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे, हम हैं तुम्हारे साथ, ठीक है? क्यों खामखा खुद को और बाकी सबको इतनी बड़ी मुसीबत में डाल रही हो? बस कल 3 बजे तक की बात है, फिर तो वैसे ही सब खत्म हो जाएगा और साथ ही खत्म हो जाएंगे तुम्हारे शहर के सारे लोग। हेलो सर, ये लड़की कुछ बहुत बड़ा करने वाली है और वो कुछ करे उससे पहले हमें उस तक पहुंचना होगा। और मुझे पता है ये लड़की कहां मिलेगी। मुझे मेरे बिल्लू निवास से निकाल दिया, बेघर कर दिया इस अमर विद्रोही ने। अमर विद्रोही, तुझे मेरा श्राप लगेगा, तू मेरी दोस्ती के लिए तरसेगा। कौन दोस्त रे? विद्रोही सर की दोस्ती। अमर विद्रोही कहीं ऐसे तुम्हारे दोस्त होंगे हैं? फ्लो फ्लो में निकल गया, तू नहीं समझता रे। हम नहीं समझेंगे बिलोट, नहीं समझना हमको। वो आदमी हम लोग के थाना के किस्मत पर ना कुंडली मार के बैठ गया है, अब तो संतु जी भी उसका पाला में सरक रही है। पैर पे पैर रखकर कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? हमें कुछ ना कुछ करना होगा, उस लड़की को ढूंढना होगा, हमारा थाना वापस लेना होगा, मेरा बिल्लू निवास वापस लेना होगा। कौन बोल रहा है? तुम बोल रहा है? इधर आ, इधर 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 बैठ 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 इधर बैठ इधर बैठ। अभी कल सुबह में नाच रहा था ना 15 सेकंड में, हाँ बिल्लू तो स्पाई सबको कर दे भाई भाई, और 15 सेकंड में रे नरभक्षी। इधर देख ना, आंख में आंख डाल के देख, हमारे 15 सेकंड में लड़की पकड़ लेगा। किधर है लड़की? कैसे ढूंढेंगे, बिल्ली निवास कैसे वापस लेंगे? मैडम आपका कॉइन गिर गया नीचे। पकड़ लिया बम वाले को पकड़ लिया। क्या लिया? ये कौन है? कौन है? मैडम है, इसने बम लगाया था। बम निकाल इसकी। ए झक्की, क्या क्या कर रहे हो? ये जो चांद का टुकड़ा है ना, इसकी सोने की चेन मारने आया था। कच्चे अगला बार इस एरिया में दिख गया ना बाबू, सारा बाल निकाल कर कहीं और लगा देंगे तुम्हारे। निकल निकल ना सर, निकल दुपट्टा दे, हमारा नाम खराब कर दिया। अच्छा तुम रे रे नरभक्षी राक्षस। मैडम क्या चल रहा है? सर क्या चल रहा है? जाइए लोग, जाइए दिखा, जाइए अपना काम कीजिए, काम कीजिए अपना। हम जाओ हेलो
महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ सदैव आपकी सेवा में तत्पर। कहिए क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? बॉम्ब है। शुक्रिया। अबे तुमको नहीं बोल रहे हैं, बता रहे हैं तुम्हारी कुर्सी के नीचे बॉम्ब है। ना ना हिलना नहीं, हिलना नहीं, ज्यादा हिल डुल की तो बम फूट जाएगा, साथ में फटोगी तुम फटे तरबूज के जैसे। सुनो है, हेलो, शिवजी, ये क्या अनर्थ कर रहे हैं आप हमारे साथ? बचाइए, बचाइए। चा 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 चा, ये लिए पुष्पा जी, आपके लिए बदनाम स्पेशल चाय। पुष्पा जी, आपके चेहरे पे पसीने के झरने क्यों फूट रहे हैं? पुष्पा जी घबराइए मत, चलिए फैन के नीचे ले चलता हूँ। नहीं 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 नहीं, कुर्सी को हाथ मत लगाना, कुर्सी के नीचे बम है। पुष्पा जी, अरे अरे कुछ करो, हमें बचाओ, हमारी बहुरानी को फोन करो, किसी को आवाज दो, हमारी जान खतरे में। पुष्पा जी, अरे नाना एक जल्दी फोन करो, हमको हिलना नहीं, वरना हम नहीं फोन करते। पुष्पा जी हिलेगा। नानायक यहाँ हमारी जान खतरे में है और तुम दांत निकाल रहे हो। अरे पुष्पा जी कोई बम हम नहीं है। बम नहीं है? बम नहीं है, बम नहीं है। इसका मतलब किसी ने हमारे साथ मजाक किया और वो भी इतना वाहियात। जिसने भी हमारे साथ मजाक किया ना, उसको जिंदा जला देंगे हम, नहीं छोड़ेंगे हम जिसने भी हमारे। तुम दोनों ने मिलके हमारे साथ मजाक किया है ना संतू? हाँ, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी संतू। पुष्पा जी, अगर दुश्मन हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट और स्ट्रांग है ना, तो दुश्मनी छोड़ के उनसे हाथ मिला लेना चाहिए। उसी में हमारी उम्र और ताकत बढ़ती है। सीखिए, अपने जूनियर से कुछ सीखिए, कितनी समझदार है। और संतोष शर्मा, हाँ जी, अब जब हाथ मिला ही लिया है तो अपना वादा मत भूलना। हाँ, मुझे ऑपरेशन काला कबूतर की सारी डिटेल चाहिए, ताकि मैं उस इंसान का पता लगा सकूं जिसने मेरे कंधे पर गोली चलाई, और मैं अपने हाथों से उसका कंधा उखाड़ दूं, ताकि उसे पता चले कि किसी को जीवन भर का दर्द देने का क्या नतीजा होता है। आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना, अभी के अभी ढूंढ के निकालूंगी वो गिरे हुए और घटिया इंसान को। संतू, गाली देने की क्या जरूरत है? नहीं पुष्पा जी, पता तो करना ही होगा। संतू जी आप कीजिए पता। एक सेकंड, चाय दे दी ना आपने? जी। अब तो फिर जाओ ना, मुंह क्या ताक रहे हो, जाओ। मुंह पे बैठ जाती। जाओ। हाँ, तो संतू हम कह रहे थे कि क्यों गाली दे रही हो खामखा, मतलब गाली दे के अपना मुंह गंदा कर रही हो, क्या जरूरत है उसकी? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जिसने भी गोली चलाई उससे गलती से चली हो, पछता रहा हो, माफी मांगना चाहता हो। अरे भाड़ में जाए उसकी माफी। हाँ, उसे माफ नहीं, मैं साफ कर दूंगा। गोली का मामला ना पुष्पा जी? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, करो जो तुमको करना है, मगर एक बात याद रखो कि हम मैडम सर की टीम में हैं और उन्हीं की टीम में रहेंगे। अरे कोई अकलमंद वकलमंद नहीं है ये लोग, असली अकलमंद है मैडम सर। अरे इन्हें तो पता भी नहीं है कि हमारी मैडम सर लालगंज मार्केट के पास वाले मोहल्ले में तफ्तीश करने के लिए गई है। ये होती है असली होशियारी। हसीना मैडम लालगंज गई है, अमर सर भी तो वहीं गए हैं पड़ताल करने। और भैया कैसा चल रहा धंधा पानी, सब बढ़िया? अच्छा यार हमें ये बताओ, हाल ही में मतलब एक डेढ़ महीने के अंदर यहाँ किसी लड़की की शादी हुई है? शादियाँ तो होती रहती है साहब। आप हमारी दुकान की मिठाई टेस्ट कीजिए ना, ये है समोसे, ये जिले को। भैया टाइम बदल रहा है तो आप भी बदल जाइए। अब हम पुलिस वालों को आपकी चापलूसी नहीं, आपके कॉपरेशन समझते हैं, सहयोग चाहिए, समझे? तो जितना पूछ रहे हैं उतना चुपचाप बता दीजिए, हम खुश हो जाएंगे। बताइए किसी की शादी हुई है यहाँ पे? मैडम सर हमको समझ में नहीं आ रहा हम यहाँ क्या कर रहे हैं, और ये लोकेशन आपको कैसे मिली?
हमने संतोष शर्मा से कहा था कि अमर विद्रोही की लोकेशन ट्रैक करे, उसने बताया हमें। पर आप ऐसा काहे करेंगी? उन पर नजर रखने के लिए। का? लड़ाई चाहे कोई भी हो, अपने दुश्मन पर हमेशा नजर होनी चाहिए ताकि हम हमेशा उससे एक कदम आगे रहे। माफ कीजिएगा मैडम सर, पर क्या ये गलत नहीं है? करिश्मा सिंह, अगर बात सिर्फ हमारे अकेले के स्वार्थ की होती तो हाँ ये बात गलत है, लेकिन यहाँ पर सवाल पूरे महिला पुलिस थाने का है। महिला पुलिस फोर्स का वजूद जो है खतरे में पड़ जाएगा अगर ये इंसान जीत गया तो, और ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। क्या बात है मैडम सर, आजकल तो आप हमारा जबान बोलने लगी है, क्योंकि आपको तो आइडिया भी नहीं है, आप हमारी तरफ बर्ताव भी करने लगी है। सब पे भड़क रही है, सब पे फट रही है, और अमर सर के तो बक्खल उखाड़े हुए हैं आपने उन पे भड़क भड़क कर। तेरा ये दस्तूर है तो अपना भी उसूल सही, तू काबिज हो मेरे वजूद पे, ये तो मुझे मंजूर नहीं। करिश्मा सिंह देखिए, हम बस इतना चाहते हैं कि हमें अमर विद्रोही के इन्वेस्टिगेशन के बारे में पता रहे, ताकि उनकी इन्वेस्टिगेशन हमारे इन्वेस्टिगेशन के आड़े नहीं आए और वो लड़की तक पहुंचे इससे पहले हम उस लड़की को अलर्ट कर दें। जी हाँ, तो वही साड़ी साहब, वो 1.5 महीने पहले हुई है। वो 16 नंबर वाले वर्मा जी है ना? राहुल, उनका बेटा, उन्हीं से हुई है। कहाँ रहते हैं वो? वो सामने से दाई तरफ सर। थैंक यू। जी कही। SHO अमर विद्रोही, थाना जनपद लखनऊ, आपसे कुछ जानकारी चाहिए थी। यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी तो आप हमारे पीछे खड़े थे, ऐसे साथ देंगे जिंदगी भर हमारा? देखिए, खामखा आंटी को डरा दिया आपने। आंटी जी, दरअसल हमारी गाड़ी खराब हो गई है, हम उसके ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं, तो तब तक पानी ढूंढते हुए आ गए, बहुत गर्मी है ना, प्यास लग रही है। ये इनका मंगेतर है, इनकी अगले महीने शादी होने वाली है, और हम इनकी बहन है और इनकी होने वाली साली। पूरा परिवार ही पुलिस में है। मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं सुनिए, वो हाँ दीदी, आप ठीक तो हैं? वो धूप में बहुत चक्कर आते हैं, हाँ। बहुत गर्मी है ना, आप अंदर आइए, आइए आइए। हाँ चलिए चलिए, आइए आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर जी आती। बहुत बहुत शुक्रिया। कौन सा मंगेतर, काहे का मंगेतर, ये सब क्या है? आप क्या जिम में पसीने के साथ साथ अपनी अकल भी बहा देते हैं क्या? इस तरह पुलिस बनकर डायरेक्टली पूछताछ करेंगे तो कोई भी घबरा जाएगा। अगर उस लड़की को पता चल जाता, वो कुछ उल्टा सीधा कर देती, कोई नुकसान पहुंचा देती, तो क्या करते अब? हर बार पुलिस या धौस काम नहीं आता, कभी कभी अपने दिमाग से और इंसानियत से भी काम लेना जरूरी। अरे तो कलीग बोल देती, कुछ और बोल देती, मंगेतर ही क्यों? जरूरी था सर, शादी वाला घर है, शादी ब्याह का बहाना बनाएंगे तो तफ्तीश करने में आसानी हो जाएगी। ये हमारा महिला थाना का टूट गया, हम ऐसी केस के अंदर घुस के उसकी खुद छनबाड़ निकालते हैं। Take it easy, baby. Come on, cool. इतने सुंदर चेहरे पे इतना गुस्सा अच्छा नहीं लगता। ये लीजिए, पानी लीजिए। जी, मेरी मंगेतर गुस्सा थोड़ा ज्यादा आता है। शादी के बाद थोड़ा और भी बढ़ेगा, नेचुरल है। ये मेरा बेटा है राहुल, इसकी भी कुछ दिन पहले शादी हुई है। माँ ने बताया था कि आपकी भी शादी हो रही है। जी बधाई हो। थैंक यू। अरे आपकी बहू कहाँ है, उनसे भी तो मिलवाइए। अरे घर पर हो तो मिलवाए ना, वो अपने मायके गई है। आजकल अच्छी बहुएं मिलती कहाँ है भैया। हमारी वाली लीजिए, ये सलोनी। जब नई नई दुल्हन आई थी तो ऐसा उत्पात मचाया था उसने। हम आगे पढ़ना चाहते हैं माँ जी। बेटा क्या करेगी पढ़कर? पर माँ जी, शादी से पहले उन्होंने कहा था कि वो मुझे पढ़ने देंगे, जॉब भी करने देंगे। अरे बेटा, ब्याह से पहले की बातें ब्याह की बात की बातों में अंतर होता है, तुम अपना मन घर गृहस्थी में लगाओ। पर माँ जी। अरे क्या जिद पकड़े बैठी हो तुम भी, सही तो कह रही है अम्मा। अच्छा ऐसा करो, मेरे लिए खाना लगा दो, हमको मीटिंग के लिए निकलना है। पर बाद में सब ठीक हो गया, भगवान की दया से उसे अकल आ गई और अब उसने अपना सारा ध्यान घर गृहस्थी और अपने पति की तरफ लगा दिया है। आपके हाथों को क्या हुआ बार बार? ये जल रहे हैं, वो मैं मसाला बना रही थी ना ये। पर आप अकेले इतना सब कर लेती हैं? अरे नहीं नहीं, सलोनी मदद करती है ना इनकी। काहे की मदद? अरे 2 दिन से तोता पाले बैठी है हाथों में, जख्म हो गए उसके हाथों में। ये कैसे हुआ ये? माँ जी, वो हम गरम गरम पूरियां तल रहे थे, बस उसी वक्त गैस से कढ़ाई फिसल गई और हमने गरम कढ़ाई पकड़ ली और हमारा हाथ जल गया। हाँ,
फिर भी उसने मदद करने की कोशिश तो की थी। ये अपने किताब के पन्ने क्यों फाड़ दिए? ये, अरे ये तो हमारी बहू लाई थी मायके से, पढ़ाई लिखाई करनी थी ना उसे, पर अब जब पढ़ाई लिखाई करनी नहीं है तो ये तो हमारे लिए रद्दी हुई ना। दिखाइए ना, दिखाइए जरा। ये देखेंगे, लीजिए। हाँ दीजिए दीजिए सर। करिश्मा सिंह, हमें नहीं लगता कि ये लड़की जो है किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। ये तो पढ़ाई लिखाई करना चाहती है, कुछ बनना चाहती है जिंदगी में, ये लोगों पर बम थोड़ी ना पड़ेगी। ये केस जैसा दिख रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। इससे पहले कि ये केस बिगड़ जाए हमें कुछ करना होगा।